सोल वर्सेस एसटीडी हो सकता है। शॉट दिया है उन्होंने, ऊपर से गाड़ी निकली है सोल की, बस होने के कगार पे नहीं, थोड़ा बहुत डैमेज उन्होंने दिया। सांगवान पीछे के साइड से निकलेंगे, सोल रगटोस और मॉर्टल आई गेस एक साथ हैं, यस बिल्कुल एक साथ है। गाड़ी वहां पे उन्होंने रोक दी है, बाकी सोल के वाइपर मुझे काफी ज्यादा क्लोज दिखाई दे रहे हैं। यस बिल्कुल जस्ट इसी एच पे है, आईएनडी क्रैटोस ऊपर के साइड पे मुझे नजर आ रहे हैं। बाकी एक और फ्लेयर गन चलाई गई है, शायद ये भी बीआरडीएम ही हो। वाइपर के पास अभी के लिए यहाँ पे स्कारल है, बाकी एंटिटी की स्क्वाड को वो स्पॉट कर सकते हैं। शॉट देने की कोशिश कर रहे हैं सोल की स्क्वाड पे, वाइपर फंस सकते हैं, पिछले मैच में भी अकेले पकड़े गए थे। बट सांगवान गाड़ी ब्लास्ट की यहाँ पे एंटिटी नियो ने डाउन किया सांगवान को, इग्नाइट लूज द डाउन वेव ऑन टॉप के द्वारा। बट वाइपर को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, सामने चार के चार मेंबर है एंटिटी के और वो यहाँ पे अकेले हैं। पीछे से कवर वैसे दिया जा सकता है, हायर रेज एडवांटेज पे है इस टाइम सोल। सांगवान काफी ज्यादा दूर है, स्मोक कर दिया गया, मे भी बचाने की कोशिश होगी बट बहुत ज्यादा दूर है, बहुत ही ज्यादा दूर है। रेगल्टोस कोशिश तो कर रहे हैं बट उनको भी डैमेज पड़ता हुआ डीपी का। सोल वर्सेस एंटिटी की फाइट यहाँ पे चलती हुई, रेगल्टोस वाइपर अभी भी नीचे के साइड पे, मे भी स्मोक्स वॉल बना के उसके बाद रेगल्टोस पुश करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए कार 98 है मॉर्टल के पास, देखते हैं हेडशॉट लगता है या नहीं। बट नहीं, डीवू यहाँ पे डाउन होते हुए एक नाइट लूजर के द्वारा, आर्थमिस डाउन हुए ऑन टॉप के द्वारा, और शायद लेक्सटम की स्क्वाड इसी के साथ एलिमिनेट हो जाएगी या नहीं। बट नहीं, लूजर ने यहाँ पे फिनिश किया डीवू को, इन पे भी शॉट्स पड़ता हुआ। पीछे से फेनाटिक स्क्वाड शॉट्स लेती हुई और सोल अब काफी ज्यादा मुश्किल में फंस गई है। स्काउट ने डाउन किया यहाँ पे रेगल्टोस को, स्मोक करेंगे, बचाने की कोशिश होगी। सांगवान भी डाउन है, अब वाइपर और मॉर्टल पे पूरा दामोदार है। वाइपर काफी ज्यादा दूर है, मॉर्टल अकेले फंस चुके हैं। आईमाजिक क्लोज इन करेंगे और पूरी फेनाटिक स्क्वाड अब सोल की स्क्वाड पे चढ़ती हुई नजर आएगी। किसी भी टाइम पे वाइपर बहुत ज्यादा दूर है, जल्दी से उनको क्लोज इन करना पड़ेगा। सोल की स्क्वाड भी जोन के अंदर नहीं है और फेनाटिक स्क्वाड तो बिल्कुल जोन के अंदर नहीं है, फटाफट से जोन के अंदर आना पड़ेगा। मॉर्टल पे सारी निगाहें रखते हैं अभी के लिए, क्योंकि सोल को भी जोन के अंदर जाना पड़ेगा, फनेटिक को भी जोन के अंदर जाना है। 8-bit स्क्वाड जो दूसरे साइड से रोटेट कर रही है उनको भी जोन के अंदर निकलना पड़ेगा। फनेटिक स्क्वाड दूसरे साइड से रोटेट करके आए, सामने के साइड से रेगल्टोस उनके मुंह पे घूम रहे थे बट मॉर्टल भी डाउन हुए और इसी के साथ सोल स्क्वाड एलिमिनेट होते हुए बाय फनेटिक स्क्वाड। वाइपर दूसरे साइड पे कवर देने की कोशिश कर रहे हैं, बेकफो मुर्सी को उन्होंने स्पॉट किया है। नाइट लूजर डाउन, मॉर्टल को पूरी तरीके से फिनिश किया स्काउट ने। 8-bit एंटिटी स्क्वाड भी शॉट दे रही है, 8-bit के 7 जो थे वो भी डाउन हुए, बेकफो मुर्सी अकेले बचे अपनी टीम से। बहुत ज्यादा प्यारा स्प्रे आता हुआ यहाँ पे ओएस का, ओ डैमेज वाइपर ने दिया और किल जो थी वो ओएस ले गया। और स्लेयर के पास आई गेस यहाँ पे ओम है, यस बिल्कुल ओम है, देखते हैं क्लच गॉड को ओम दे सकते हैं, हेडशॉट पड़ सकते हैं। मिस किया, पूरी तरीके से मिस किया, बट 50% जो एचपी थी वो डाउन हो चुके हैं। मेगा स्वैग भी डाउन हो गया, जिगॉर्ड स्पॉटर ने गॉर्डल एग्जिस्ट फाइनली एलिमिनेट होते हुए। अभी के लिए जोन के अंदर निकलना पड़ेगा, ओएस केवल जोन के अंदर है, बाकी सारी टीम्स को जोन के अंदर निकलना पड़ेगा। चार टीमें 11 बंदे अभी भी अलाइव हैं और एंटिटी के आई गेस चार के चार मेंबर जिंदा। इन न्यू ऊपर के साइड पे खड़े हुए थे, बॉडी शॉट पड़ा उनको स्लेयर का, डाउन किया है। क्लच गॉड की बात करें वो भी नीचे के साइड पे, रेवेंज के दो मेंबर जिंदा है, परफेक्ट और बॉस जिंदा है। अभी के लिए एक अच्छा खासा कवर बनाया गया है, बॉस को स्पॉट किया यहाँ पे स्लेयर ने, स्प्रे दिया बट पूरी तरीके से मिस किया, परफेक्ट पूरी तरीके से ओपन में, और रेवेंज की स्क्वाड पूरी तरीके से एलिमिनेट हुई बाय आईएनडी स्क्वाड। चार के लिए उन्होंने अपने नाम जरूर किए, बाकी अभी के लिए 3v4v1 का सिचुएशन है। आई गेस 4v4v1 का सिचुएशन है। एंटिटी के भी चार के चार मेंबर्स जिंदा है, घातक काफी ज्यादा रिस्क लेके एक पेड़ का कवर उन्होंने लिया है और अभी के लिए एक अच्छे खासे कवर में। बट बक्की जो थी वो ब्लास्ट हुई और एलिमिनेट हो गए। क्लच कॉर्ड यहाँ पे उतरेंगे और ओम का शॉट पड़ सकता था, मिस किया। स्लेयर को देखते हैं क्या ओम शॉट दे सकता है, कुछ स्कोप दे सकते हैं या नहीं। अभी भी जो दूसरी बग्गी है वो फोड़ने की कोशिश की जाएगी। क्लच कॉर्ड काफी ज्यादा कम एचपी पे, ओएस पीछे से थर्ड पार्टी कर सकते हैं। अभी के लिए वो लेटे पड़े हुए, ओएस एक बार फिर से जोन के अंदर है, शायद यहाँ पे 1v4 का सिचुएशन होगा ओएस के लिए। बट जल्दी ही ओएस को कुछ करना पड़ेगा, थोड़े बहुत पीछे से थर्ड पार्टी या सैंडविच वगैरह कर सकते हैं। क्लच कॉर्ड काफी ज्यादा ओपन में बट खुद भी स्पॉट हो जाएंगे अगर उन्होंने थोड़ा बहुत शॉट्स लेने की कोशिश की तो। जीगॉट और न्यू काफी ज्यादा कम एचपी पे, उनके पास हीलिंग्स वगैरह है, यस बिल्कुल है। बट आईएनडी की स्क्वाड अभी भी शॉट ले रही है, जीगॉट को फिर से काफी ज्यादा डैमेज पड़ा, हील करेंगे अपने आप को। आईएनडी पे इजी चिकन डिनर जाता हुआ अभी के लिए लग रहा है, बट इनको जोन के अंदर जाना पड़ेगा। काफी ज्यादा मुश्किल की बात यह है कि आईएनडी को जोन के अंदर जाना पड़ेगा और एंटिटी स्क्वाड जोन के अंदर है, ओएस भी जोन के अंदर है। न्यू की बात करें उनके पास एक पत्थर है, जीगॉट के पास पत्थर तो नहीं है बट अभी भी वो स्मोक के अंदर ही है। अच्छा खासा उन्होंने वॉल बना रखा है, आईएनडी की स्क्वाड जोन वॉल बनाएगी और निकलने की कोशिश करेंगे। न्यू पेड़ के पास पहुंच चुके हैं, ये अच्छी किस्मत उनकी, बट जोन में निकलना पड़ेगा आईएनडी को। स्लेयर सबसे पहले निकलेंगे, ट्रांस उनके पीछे पीछे और स्नैक्स और बाकी सारे मेंबर्स जल्दी ही रोटेट करेंगे। ओएस अभी के लिए नीचे साइड पे लेटे पड़े हुए हैं, शायद ओएस के ही क्लोज जाएंगे आईएनडी स्लेयर या नहीं वो देखना पड़ेगा। गाड़ी कवर में लगाएंगे बट क्लच गॉड अगेन शॉट दे रहे हैं उन पर, थोड़ा सा पीछे के साइड पे जाएंगे, गाड़ी ब्लास्ट हुई, अच्छा खासा कवर यहाँ पे बनता हुआ नजर आएगा आईएनडी के लिए। और एंटिटी 3v4v1 का सिचुएशन होता हुआ, क्लच गॉड के साइड से आया है एक नेट। क्रैटोस की बात करें उन्होंने गाड़ी थोड़ी पीछे कुछ थी, ओएस अभी भी बैठे हुए, नेड आया था क्लच गॉड का, क्रैटोस को डाउन किया, आईएनडी स्क्वाड पूरी तरीके से एलिमिनेट होती हुई, ये क्या देख लिया भाई साहब, एक्सपेक्टेड नहीं था ये चीज।
1v3 का सिचुएशन है, ओएस वर्सेस एंटिटी होता हुआ न्यू को स्पॉट किया, ओएस ने शॉट देने की कोशिश करेंगे बट पीछे से